दोस्तों आज के स्टडी में हम वॉशिंग मशीन स्पिन मोटर एंड ऑयल सील किस तरह चेंज की जाती है, वॉशिंग मशीन को प्रॉपर ओपन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। देखिए नॉर्मली यदि आपकी वॉशिंग मशीन की ऑयल सील खराब होती है तो ऑयल सील की वजह से वहां से वाटर लीकेज होता है जो कि सीधा आपके स्पिन मोटर पर जाता है। यदि आपकी ऑयल सील खराब होती है तो 90% केसों में आपकी स्पिन मोटर भी जल जाती है। तो यदि आपको स्पिन मोटर को ओपन करना हो या फिर ऑयल सील चेंज करना हो तो किस तरह से वॉशिंग मशीन को प्रॉपर ओपन किया जाएगा, किस तरह से मोटर को चेंज किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसका बैक पैनल यहां पर ओपन कर लेना है। देखिए वॉशिंग मशीन का हमने बैक पैनल ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्पिन मोटर है। जो स्पिन मोटर होती है उसे कपड़े धुलने वाले सेक्शन में कनेक्ट किया जाता है और ऊपर की तरफ ऑयल सील आप देख सकते हैं। ये जो ऑयल सील होती है ये मोटर तक वाटर को नहीं आने देती, एक तरह से सील होती है। और स्पिन मोटर को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे 10 के पानी की जरूरत होगी। किसी किसी स्पिन मोटर में आपको 8 का पाना भी लगता है। यहाँ पर हमें 10 के पानी की या 10 की टॉमी यहाँ पर लगाना होगी। देखिए यहाँ से हमें इस बोल्ट को सबसे पहले ओपन कर लेना है। कई बार क्या होता है ये बोल्ट जाम भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप हल्का सा यहाँ पर ऑयल डाल लीजिए। इस बोल्ट के जरिए जो हमारे स्पिन सेक्शन का टप होता है उसके शाफ्ट मोटर से कनेक्ट होती है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। और देखिए नीचे का जो हमारे पास वॉशिंग मशीन का बॉटम पोर्शन होता है इसे हमें सबसे पहले बॉटम पोर्शन को खोल लेना है, क्योंकि हमारी जो मोटर होती है इस बॉटम पोर्शन में ही फिट की जाती है। बॉटम सेक्शन को ओपन करने के बाद देखिए जो स्पिन मोटर में हमने बोल्ट ओपन किया था उसमें देखिए जो शाफ्ट होती है जो हमारे पास स्पिन सेक्शन में जो टब कनेक्ट होता है इसके साथ कनेक्ट होती है, तो इसे हमें हल्का हल्का सा रोटेट करना है। देखिए हल्के से रोटेट करना है ताकि शाफ्ट यहाँ से ओपन हो सके। और यहाँ पर देखिए जो मोटर के साथ शाफ्ट कनेक्ट की गई है और यहाँ पर हल्का सा प्रेशर लगाने पर आसानी से यह बाहर आ जाती है। देखिए यहाँ पे शाफ्ट को सबसे पहले हमें अलग कर लेना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है जाम होने के कारण इसमें आपको कई ज्यादा ताकत लगाना होती है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले से अलग कर लेना है। जो शाफ्ट होती है यह मोटर के साथ काफी ज्यादा टाइट होती है, तो आप इसे हल्के से रोटेट कर निकाल लीजिए। देखिए रोटेट करना होता है प्लस आपको प्रेशर लगाना होता है। अब देखिए जो हमारे पास वॉश सेक्शन में जो बेल्ट होता है इस बेल्ट को हमें निकाल लेना है ताकि हमारा बॉटम पोर्शन निकल जाए। देखिए सबसे पहले हमने बॉटम पोर्शन को अलग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से मोटर को किस तरह से ओपन किया जाएगा समझ लेते हैं। तो बॉटम पोर्शन में ये लॉक दिया जाता है जिससे हमारी मोटर फिट होती है, काफी टाइट यह लॉक होता है। देखिए इस लॉक को हमें सबसे पहले ओपन करना है। सभी बोल्ट को हमने ओपन कर लिया है और यह लॉक को आपको हल्का सा प्रेस कर निकालना होता है। देखिए यहाँ पर इस लॉक को हमें निकालना होगा। तो देखिए नीचे से हमें सभी लॉक को दबाना है और ऊपर से इसे फोर्स के साथ खींचना होगा। देखिए तीनों लॉक को हमें निकाल लेना है। यहाँ पर इसमें आपको हल्की सी ताकत लगाना होगी क्योंकि लॉक काफी ज्यादा टाइट होते हैं। देखिए तीनों लॉक को हमें निकाल लेना है। देखिए तीनों लॉक हमारे निकल चुके हैं, स्पिन मोटर हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। ये जो स्पिन मोटर है यह जल गई थी तो हमें इसे बनवाना होगा। बनाने के बाद इसे फिट किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। और इसके कनेक्शन को आप रिमूव कर लीजिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए कहाँ से किस कलर कोड के हिसाब से आपने कनेक्शन को ओपन किया है। अब देखिए ये जो ऑयल सील होती है, हमारी मोटर जलने का जो मेन कारण था ये ऑयल सील खराब हो चुकी है जिसके कारण हमारी मोटर चली है, तो हमें इस ऑयल सील को भी चेंज करना होगा। तो ऑयल सील काफी ज्यादा टाइट फिट की जाती है प्लस उसमें सॉल्वेंट भी लगाया जाता है, तो इसे आपको निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करना होगी या प्रेशर लगाना होगा। तो आप हल्के हल्के से देखिए एक एक लॉक को ओपन कीजिए। देखिए एक एक लॉक को हमें हल्के से इसे अलग करना है, इसमें आपको थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है यदि आप बिगिनर से हैं तो। देखिए इस तरह से सभी एक एक लॉक को हमें लूज करना होगा और इसे प्रेशर के साथ हमें धीरे धीरे इसे अंदर की तरफ रोटेट करना होगा। देखिए इस तरह से
एक एक लॉक को हमें अंदर करना होगा। इसमें आपको काफी ज्यादा ताकत लगाना होगा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट लगाकर इसे प्रॉपर चिपकाया जाता है ताकि जो वाटर है ये हमारे स्पिन मोटर में ना जाए। देखिए इस तरह से आपको धीरे धीरे हल्के हल्के से इसे अंदर की तरफ कर देना है। देखिए ये अंदर इसके लॉक जा रहे हैं। देखिए ये ऑयल सील हमारी हल्के से यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाएगी। देखिए ये ऑयल सील हमारी निकल चुकी है। हमारे मोटर जलने का मेन रीजन ही ऑयल सील खराब होना था। अब देखिए ये हमारे पास जो टप है ये निकल नहीं रहा है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में टप आसानी से निकल जाता है बट इस वॉशिंग मशीन में इसका हमें फ्रंट पोर्शन या टॉप पोर्शन को ओपन करना होगा। तो हम इसके टॉप पोर्शन को भी ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ हमें बोल्ट ओपन करना होगे। किसी किसी वॉशिंग मशीन में आसानी से ये यूं ही निकल जाता है बट इसमें हमें इसके टॉप पोर्शन को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे कुछ हमें लॉक्स दिए जाते हैं, इन लॉक को हमें ओपन कर लेना है। देखिए आज के वीडियो में हम हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं, किस तरह से ये प्रॉपर ऑयल सील को फिट किया जाएगा सब कुछ समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से हमें रिमूव कर लेना है इसके टॉप पोर्शन को क्योंकि सभी वायर्स इसी में कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसे आप देखिए हल्के से यहाँ से ज्यादा दूर ना ले जाए अदरवाइज आपके वायर भी ब्रेक हो सकते हैं। देखिए इसको आपको केयरफुली रखना है। देखिए हमारा टप ओपन हो चुका है। अब हम ऑयल सील को देख लेते हैं। ये हमारी ऑयल सील है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल सील में लीकेजिंग हो चुकी है। इस लीकेजिंग के कारण ही हमारी मोटर वहां पर बर्न या जली है। देखिए अब इस ऑयल सील को हमें रिप्लेस करना होगा। तो हम ऑलरेडी एक ऑयल सील लेकर आए हैं। देखिए ये हमारे पास न्यू ऑयल सील है। ऑयल सील कई साइज की आती है तो आपको सेम साइज की ऑयल सील लाना है मार्केट जाकर, इसका आपको ध्यान रखना है। जरा सा भी साइज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर लीकेजिंग के कारण ही हमारी मोटर जली है। देखिए ये हमारी मोटर है और ऑयल सील लीकेज होने के कारण ही यह जल गई है। अभी हम इसे वाइंडर मैन को देखें जिससे हमें मोटर बना कर दे देगा, फिर हम इसे किस तरह से फिट करेंगे यह भी समझने वाले हैं। चलिए हम इसे अभी वाइंडर मैन को दे देते हैं। अब हम इसके ऑयल सील को चेंज कर लेते हैं। देखिए ऑयल सील को किस तरह से फिट किया जाता है आप इसे वॉच कीजिए। इस तरह से ऑयल सील को फिट किया जाता है। देखिए ये ऑयल सील को हल्का सा हमें ऊपर करना होगा ताकि ये प्रॉपर फिट हो सके। इसमें हमें सॉल्वेंट भी लगाना होगा ताकि जरा सा भी वाटर हमारी मोटर पर नहीं जाए। देखिए इस तरह से आपको ऑयल सील कर लेना है और इस पर आपको सॉल्वेंट भी लगा लेना है ताकि हल्का सा भी लीकेजिंग ना हो सके। यदि आपकी मोटर पे एक एक दो दो बूंद भी जाता है तो कुछ समय में आपकी मोटर वहां पर चल जाएगी। तो इसे प्रॉपर एयर टाइट के साथ प्रॉपर फिट होना काफी जरूरी है। देखिए इस तरह से ऑयल सील पर हमें अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेना है और इसे किस तरह से फिट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। ऑयल सील को फिट करने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले देखिए ऑयल सील को इसे वॉशिंग मशीन को आड़ा करना होगा और इसे पहले यहाँ पर फिट करना होगा और पीछे टामी लगाना होगी या आप प्रेशर के साथ किसी भी तरह से कर सकते हैं बट हमारे पास टामी अवेलेबल है इस साइज की। तो हम टामी लगाकर इसे फिट करने वाले। देखिए इस टामी को जिस तरह से हम इसे रोटेट करते हैं तो काफी प्रेशर के साथ ऑयल सील अंदर की तरफ आती है। देखिए हमने दो टामी का यूज किया है। ऑयल सील बिठाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इस तरह से हमारी ऑयल सील प्रॉपर बैठ चुकी है। देखिए ऑयल सील को हमने प्रॉपर बिठा लिया है। देखिए अब इससे कोई भी वाटर लीकेज नहीं होगा। हमारी मोटर जलने का 90% केस ऑयल सील खराब होना होता है। यदि आपकी मोटर जल गई है तो आप कोशिश कीजिए ऑयल सील भी आप साथ में ही चेंज कर दीजिए ताकि आपकी न्यू मोटर भी बर्न ना हो। देखिए हमारी मोटर बनकर आ चुकी है। अब हमें इस मोटर को फिट करना होगा। देखिए हम मोटर को फिट किस तरह से किया जाएगा यह हम समझ लेते हैं। तो जिस तरह के जो लॉक होते हैं जो बॉटम पोर्शन में फिट होते हैं उन लॉक्स को हमें सबसे पहले प्रेशर के साथ बैठा लेना है। देखिए एक एक कर आप इस लॉक को बैठाइए। देखिए ये आसानी से बैठ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों लॉक को हमें बिठा लेना है, ऊपर से प्रेशर लगाना है। देखिए प्रेशर के साथ हमें तीनों लॉक्स को बिठा लेना है। देखिए हमारे लॉक्स बैठ चुके हैं। अब इसमें हमें अंदर की तरफ जो नट बोल्ट दिए गए थे उन नट बोल्ट को भी कनेक्ट कर लेना है।
आप वीडियो केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारे सभी लॉक्स को हमें फिट कर लेना है। देखिए हमारे लॉक फिट हो चुके हैं, मोटर को यहाँ पर हमने फिट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें शाफ्ट को भी फिट करना होगा मोटर के साथ, तो वह किस तरह से फिट की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारी सबसे पहले बॉटम पोर्शन में मोटर फिट हो चुकी है। इस देखिए जो पाइप होता है वाटर के ड्रेन पाइप, इसे हमें बाहर कर लेना है और इसे हमें अच्छे से कस लेना है, क्योंकि मोटर हमारी प्रॉपर फिट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास नट बोल्ट हो उसे आपको लगा लेना है और लॉक के साथ देखिए आपको लॉक प्रॉपर इसे करना होगा और जहां जहां पर भी आपके पास बोल्ट है उस बोल्ट को कनेक्ट कर लेना है। अब किस तरह से शाफ्ट फिट की जाएगी हम समझ लेते हैं, क्योंकि शाफ्ट फिट करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उसे आपको अच्छे से फिट करना होता है। यदि आप फोर्स लगाकर शाफ्ट फिट करते हैं तो आपकी जो ऑयल सील है वो मैक्सिमम उसके चांसेस होते हैं अगेन खराब हो सकती है, तो आपको उसे प्रॉपर फिट करना होगा। किस तरह से फिट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने कनेक्शन ओपन किया था, सबसे पहले आपको वायर को नोट कर लेना है यदि आप बिगिनर्स है तो, और उसी कलर कोड के हिसाब से कनेक्शन आपको अगेन कर देना है। हमारे पास मोटर में 3 वायर होते हैं और मोटर पे एक हमें अर्थिंग वायर कनेक्ट करना होता है, तो हमने देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर लिया था कि हमने कौन से वायर से किस वायर को रिमूव किया है। देखिए उसी तरह से हमें वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। देखिए ये फर्स्ट वायर को हमने कनेक्ट किया है और इस पर आप टैपिंग या अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वाटर काफ़ी ज़्यादा आता है। यदि टैपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशन में आपको शॉक भी लग सकता है, तो टैपिंग आप अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। हमारे पास यह जो कनेक्टर एक ख़राब हो चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर टैपिंग कर रहे हैं। यदि कनेक्टर प्रॉपर होते तो हम यहाँ पर वैसे ही कनेक्शन कर देते। देखिए जिस तरह से हमने वायर्स को रिमूव किया है उसी तरह से हमें कनेक्शन कर लेना है। देखिए हमारे पास जो थर्ड वायर है इस थर्ड वायर को भी कनेक्ट कर लेना है और हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन इसका हो चुका है। अब मोटर के ऊपर जो ब्रेक होता है, ब्रेक की वर्किंग किस तरह से होती है हम समझ लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा धोने वाले सेक्शन में या स्पिन सेक्शन में जब भी आप डोर को ओपन करते हैं तो आपकी मोटर वहां पर स्टॉप हो जाती है, तो यहां पर यह मैकेनिज्म होता है। किस तरह से इसकी वर्किंग होती है वो भी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे प्रॉपर पहले फिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शाफ्ट होती है इस शाफ्ट पर अच्छे से आपको ऑयल या फिर ग्रीस लगा लेना है ताकि ये आसानी से ऑयल सील से होता हुआ मोटर में फिट हो जाए। इसमें आपको ऑयल या ग्रीस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर आपको जोर नहीं लगाना है। यदि आप इसे प्रेशर लगाकर फिट करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी ऑयल सील खराब हो सकती है, तो आप इस पर अच्छे से ऑयल या ग्रीस लगा लीजिए और हल्के हल्के से रोटेट कर आपको इसे फिट करना होगा। देखिए आपको प्रेशर नहीं लगाना, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे हल्के से आपको रोटेट कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास फिट हो चुका है। अब नीचे से हमें इस पर एक नट लगाना होगा जिससे प्रॉपर इसकी फिटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ से जो हमने फर्स्ट में नट को ओपन किया था इस नट को हमें टाइट कर देना है। चलिए हमने जिस तरह से 10 का पाना यूज कर इस नट को ओपन किया था उसी तरह से इसे हमें प्रॉपर टाइट कर लेना है और इसे टाइट करते समय इसे हल्का हल्का सा जो हमारे पास कपड़े धोने वाला सेक्शन का टप होता है इसे आप हल्का हल्का सा रोटेट कीजिए जिससे यह शाफ्ट में पूरी तरह से बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से आपको इसे फुल टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से आपको फुल टाइट करना है, लूज नहीं रहने देना, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ब्रेक किस तरह से काम करता है, जब हम डोर को ओपन करते हैं तो हमारी मोटर क्यों नहीं रोटेट होती इसे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको रस्सी दी जाती है, एक तरह से लॉक होता है, इसे हमें प्रॉपर पहले फिट कर लेना है और ये जो लॉक होता है जो कि हमारे डोर से आता है इसे हमें अंदर यहाँ पर कर लेना है। देखिए इस तरह से ये ड्रेन के लिए रस्सी दी जाती है। जब हम ड्रेन स्विच को प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा वाटर होता है वो बाहर किस तरह से होता है तो इस रस्सी के जरिए होता है। हम मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्लच का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। डोर को ओपन करने से हमारी मोटर क्यों स्टॉप हो जाती है। देखिए ये हमारे पास डोर से सबसे पहले एक देखिए मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे लॉक आया है।
चलिए इस लॉक को हमें प्रॉपर पहले फिट कर लेना है। देखिए ये डोर से जो हमारे पास लॉक आया है इसे हम ओपन कर ले फिट कर लेते हैं और देखिए किस तरह से प्रैक्टिकली हमारी मोटर स्टॉप होती है हम समझ लेते हैं। देखिए लॉक हमारा फिट हो चुका है। देखिए यहाँ से अभी हमारी जो मोटर है यदि डोर लगा हुआ है तो आसानी से यह रोटेट हो जाएगी। देखिए डोर यदि लगा हुआ है तो आसानी से यह रोटेट होगी। देखिए एक बार हम डोर को ओपन कर लेते हैं। देखिए जब डोर ओपन होगा तो उस कंडीशन में वहां पर लॉक लग जाएगा। अब हमारी मोटर रोटेट नहीं होगी क्योंकि वहां पर एक क्लच लगा हुआ है और क्लच के कारण हमारी मोटर रोटेट नहीं होगी। जैसे ही हम डोर को क्लोज करते हैं यदि हम मोटर को रोटेट करते तो ये आसानी से रोटेट होगी। देखिए डोर को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो देखिए क्लच यहाँ पर लग चुका है और मोटर को स्टॉप कर चुका है। अगेन एक बार फिर से हम देख लेते हैं, डोर को हमने यहाँ पर लगा दिया है तो मोटर रोटेट हो रही है। जैसे ही डोर को ओपन किया जाएगा उस कंडीशन में इस लॉक के जरिए हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। चलिए अब ड्रेन स्विच की वर्किंग किस तरह से होती है, तो यहाँ पर एक रस्सी होती है। देखिए इस लॉक को हमें अच्छे से टाइट कर देना है। अब ड्रेन स्विच को जब हम रोटेट करते हैं तो किस तरह से वाटर बाहर होता है हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे स्विच को हमने रोटेट किया तो एक रस्सी के जरिए देखिए जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ से देखिए एक ड्रेन स्विच ऊपर की तरफ होता है जिससे वाटर हमारा बाहर हो जाता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली वॉच कर लीजिए, देखिए इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। अब जो लॉक हमने इसके टॉप पैनल से रिमूव किया था सभी लॉक्स को हमें फिट कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी वॉशिंग मशीन को प्रॉपर ओपन कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको स्पिन मोटर को चेंज करना है तो कोशिश कीजिए साथ में ऑयल सील भी चेंज हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई डाउट होगा कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।